और खुशी की बात है कि हमारे विद्यालय में कम से कम हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं और जागरूक हैं जो हमारे गवर्नमेंट की नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए उत्सुक हैं। तो सर, हमारे विद्यालय में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। विद्यालय परिवार की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। हम इस उम्मीद से कि बच्चे हमारे व्यवसायिक रूप से आगे बढ़ें और जागरूक हों, इसलिए क्लास 6 का जो बैक इस प्रोग्राम और वोकेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत ये आज हम शुरू कर रहे हैं, तो इसमें हमारे बच्चे लाभान्वित हों। और आप इस जॉब के विषय में, आप ऑफिसर हैं एम्स में प्रतिष्ठित, तो उसके विषय में कम से कम हमें बच्चों को आप उस लेवल तक कैसे पहुँचे, तो ताकि बच्चे भी हमारे प्रभावित होंगे, उसी लेवल की तैयारी करेंगे, उसी हिसाब से पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते उस लेवल को हमें, अगर उनके अंदर च्वाइस है तो उसके विषय में जागरूक होंगे और आगे बढ़ेंगे। सर, आपका पुनः स्वागत। सर का एक बार वेलकम क्लैप हो। तो सर, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। तो पहले हम सर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आप उसको ध्यान से सुनिए सर क्या इसका जवाब दे रहे हैं। तो सबसे पहले सर का नाम हम जानेंगे। सर अपना नाम। सबसे पहले सर को गुड मॉर्निंग, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग और समस्त स्टाफ के सभी बच्चों को फिर से गुड मॉर्निंग। मेरा नाम समय सिंह, फ्रॉम राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। सर का नाम समय सिंह, राजस्थान से सर बिलोंग करते हैं। और सर का सर आपका व्यवसाय क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है आपका? अभी मेरा जो व्यवसाय है, मैं एम्स, जो आपने नाम सुना होगा, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस, उसमें नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। ठीक है सर। तो अगला सवाल है सर, आप इस व्यवसाय में कितने वर्षों से हैं? अभी तो इस व्यवसाय में 6 का टाइम कंप्लीट हो चुका है। 6 का फिर समय हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे सर, इस व्यवसाय में, इस ऑक्यूपेशन में आपकी प्राथमिक जिम्मेदारियां क्या हैं? सबसे पहले जो इस प्रोफेशनल की बात करते हैं, जो हमारा जो डेजिग्नेशन पोस्ट होता है नर्सिंग ऑफिसर का, ये पेशेंट जो भी एडमिट होते हैं या ओपीडी बेस पर जो भी पेशेंट आते हैं, उनका होलिस्टिक केयर रहता है, संपूर्ण केयर करना, मेडिसिन लगाने से और उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, पेशेंट को डिस्चार्ज तक का जितना भी केयर होता है, जितना होलिस्टिक कंप्लीट संपूर्ण केयर आ जाता है, वो पूरा केयर होता है। धन्यवाद सर। अगला सवाल है सर, हम आपके संस्था के बारे में जानना चाहते हैं। आपकी जो संस्था है उसका क्या मतलब रोल है इस समाज में, उसके बारे में कृपया बताइए सर। जो एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी है, केंद्र सरकार का हॉस्पिटल है। इसके अलावा हमारा जो एम्स का मेन जो पर्पस और जो मेन पर्पस है, वो पेशेंट केयर है। कैसा भी पेशेंट, सिक पेशेंट हुआ, कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट हुआ, आल प्रकार की डिजीज सभी का संपूर्ण प्रकार से इलाज किया जाता है पेशेंट का। धन्यवाद सर। अब हम लोग को ये सर के पहले करंट प्रोफेशन के बारे में जानते थे, अब हम सर के एजुकेशन और ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे। तो सर, आप इस जॉब में आने के लिए आपकी उच्चतम क्वालिफिकेशन, उच्चतम डिग्री क्या रही है सर आपकी? जी, मेरा जो क्वालिफिकेशन है, टेंथ करने के बाद जो सब्जेक्ट लिया था वो साइंस बायोलॉजी लिया था और उससे 12th पास किया है। 12th पास करने के बाद एक 4 का डिग्री कोर्स होता है, जो प्रोफेशनल कोर्स होता है, जो BSc नर्सिंग बोला जाता है उसको। तो 4 का डिग्री कोर्स BSc नर्सिंग है, जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है। उसके अलावा एक मास्टर डिग्री होती है, जो MSc नर्सिंग होती है, वो भी मेरे पास मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है। धन्यवाद सर। और इससे संबंधित कोई और भी सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है सर? जी, इसके अलावा हमारा जैसे इन सर्विस एजुकेशन के अंदर काफ़ी सारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे ट्रांसजेंडर हेल्थ एजुकेशन हुआ, और एक जो हमारा अभी करेंट में एजुकेशन चल रहा है नाडा वाला, एंड नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो एथलेटिक्स होते हैं उनका डोपिंग टेस्ट होता है, तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट हूँ, उसमें भी मुझे जाना होता है। तो
बाकी और भी एजुकेशनल जो इन सर्विस एजुकेशन के अंदर होता है, जैसे हमारा बीच बीच में सर्विस के दौरान फील्ड से रिलेटेड काफ़ी सारी जो जानकारी दी जाती है वो भी इसके अंदर ही रहता है। धन्यवाद सर। तो आप लोगों ने सर से जाना कि इसके कैरियर में, इसके जॉब में आने के लिए आपको 10th के बाद से साइंस में पढ़ाई करनी होगी, और साइंस पढ़ाई के बाद 12th के बाद आपको 4 ईयर का डिग्री कोर्स करना है, जिसको सर ने बताया BSc नर्सिंग का कोर्स है। उस कोर्स को करने के बाद आप इस जॉब में आ सकते हैं। सर ने इसके ऊपर भी MSc नर्सिंग की भी पढ़ाई की हुई है, तो सर इस मामले में बहुत क्वालिफाइड है। अब मैं सर के थोड़ा सा पर्सनल कैरियर के बारे में पूछूंगा, जो सर क्यों इस फील्ड में आए। इसमें पहला सवाल है सर कि इस प्रोफेशन में क्या आपकी शुरू से रुचि थी कि बाद में आपने इसके बारे में जाना? नहीं सर, इसमें जो जब हमने सोचा था कि एक जो ह्यूमैनिटी सर्विस होती है, एक मानव सेवा का, तो सबसे अच्छा जो इंस्टीट्यूट की बात करते हैं मानव सेवा की, तो ये हमारा जो पेशेंट केयर आता है, और शुरू से ही मेरा जो इस प्रकार से सेवा करने का जो एक सपना था कि एक सिक पेशेंट की सेवा करना, वो मेन हमारा शुरू से ही लक्ष्य था। जब से मैंने ये 12th 10th के बाद जो सब्जेक्ट लिया था साइंस, उसके बाद डिसाइड किया था कि मेडिकल फील्ड में ही जाएंगे, वो डिसाइड नहीं था कि नर्सिंग में जाएंगे या डॉक्टर बनेंगे। वो थोड़ा सिचुएशन बदलती गई, क्योंकि सबसे पहले कोशिश, कोई भी स्टूडेंट कोशिश करता है कि डॉक्टर बने, अगर डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं होता है तो अदर फील्ड में नर्सिंग ऑफिसर हुआ, इसके अलावा हमारा रेडियोग्राफर का कोर्स हुआ, लैब का कोर्स हुआ, ये बहुत सारे मेडिकल से ही रिलेटेड कोर्स हैं। तो उसी ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखते हुए और हॉस्पिटल तक पहुँचे। धन्यवाद सर। सर ने बताया कि देखिए ये बहुत बड़ा काम है मानव सेवा। सभी स्काउट गाइड में हैं बच्चे यहाँ पर, आप लोग भी जानते हैं स्काउट गाइड का जो मतलब प्राइमरी जो एम क्या है, मानव सेवा है ना। तो कहीं ना कहीं इससे प्रेरित है कि आप लोग के बैजेस जो भी कार्यक्रम इसके होते हैं नर्सिंग के और तमाम तरह के, तो ये सर का बहुत बड़ी सोच अपनी है कि मानव सेवा करना, क्योंकि लोग अपने लिए सभी जीते हैं सर, लेकिन दूसरों के लिए आप क्या करते हैं वो बहुत बड़ा काम करना। इसके बाद में अगर सर से एक सवाल और पूछेंगे, अगर हमारे बच्चे इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? देखिए, अगर आपको इस कोर्स में जाना होगा तो आपको देखो हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, हर फील्ड के बारे में पता होना चाहिए, ये सारी जानकारी एडवांस में होना चाहिए। जैसे आप 12th 10th के बाद जब सब्जेक्ट का चेंज करते हैं तो उसी से डिसाइड हो जाता है कि आपको किस फील्ड के अंदर आप जाना चाहते हैं। तो ये फ्यूचर का स्कोप देखा जाता है कि किस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं, किस में आप जॉब करना पसंद करते हैं। तो अगर जाना चाहेंगे बहुत अच्छा, एक ह्यूमैनिटी सर्विस का एक मौका मिलेगा आपको, एक ऐसे सिक पेशेंट जिनका कोई नहीं होता, एक जो एक डिजीज को लेके आते हैं और हम उनको अच्छी सी केयर देते हैं, मेडिसिन देते हैं, उनका संपूर्ण केयर किया जाता है, जिसमें होलिस्टिक केयर बोला जाता है। और पेशेंट एक जब एक एक डिजीज कंडीशन के साथ आता है और जब पेशेंट डिस्चार्ज किया जाता है तो एक सही प्रकार से बिल्कुल उसकी बीमारी को समाप्त करके किया जाता है। तो ये बहुत अच्छा फील्ड है मेडिकल फील्ड, जहाँ पर हम एक मानव सेवा दे सकते हैं। और उसके बाद कुछ हम चुनौतियों के बारे में सर से पूछेंगे, आपके प्रोफेशन में सर आपको क्या लगता है कि क्या चुनौती आपके सामने रहती है? प्रोफेशनल में जाने के लिए बहुत सारी देखो परेशानी तो आती ही है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं जाने के लिए, क्योंकि हम कोई भी देखो सबसे पहले तो ये होता है कि हम सब्जेक्ट का चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है 10th के बाद, कि हमको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्योंकि काफ़ी सारे कंफ्यूजन होते हैं कि किस फील्ड में जाना चाहते हैं हम, हमें किसका स्कोप क्या है, तो सारा चीज़ें पता होना चाहिए कि उस टाइम डिसीजन जो लिया जाता है वो एक अच्छा डिसीजन होना चाहिए कि उस फील्ड कि उसका स्कोप कैसा है, फ्यूचर कैसा है। तो उसमें जाने के लिए जब 12th किया था, 12th के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था मैंने, नीट का तैयारी किया था, तो PMT, AIPMT और हमारे राजस्थान में RPMT बोला जाता है, उसका 2 साल तक कोटा से तैयारी किया था, पर MBBS में नहीं हुआ। उसके बाद नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम रही थी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम
के जरिए जाना होता है। फिर उसके बाद हमने 4 साल का BSc नर्सिंग का जो कोर्स किया, और कोर्स करने के बाद वैकेंसी आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की आती है, स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, उसमें फॉर्म अप्लाई करना, उसके साथ साथ कोचिंग लेना होता है, कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी करो, और सेल्फ स्टडी के साथ साथ क्योंकि मैं जॉब भी करता था साथ में, कोर्स करने के बाद जो हमारा दिल्ली का 102 नंबर है टैक्स एम्बुलेंस, सबने सुना होगा, उसमें मैंने करीब 2 ईयर तक जॉब किया है। तो उस टाइम काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जब जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना और पढ़ाई करके एम्स तक, उसको एम्स तक पहुँचना, क्वालिफाई करना एग्जाम को, तो ये काफ़ी सारी चुनौती रही थी, क्योंकि जॉब के साथ और एक गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करना, ये सारी चुनौती रही थी, क्योंकि थोड़ा इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं था, जॉब की जरूरत थी उस टाइम कर रही थी, तो मैंने वो भी किया, उसके साथ साथ पढ़ाई भी की, और ये सारा चीज़ें एडजस्ट करना होता है लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए। तो हर फील्ड के अंदर समस्याएं तो आती ही हैं, पर उनका समाधान करना जरूरी है, क्योंकि आपको जहाँ तक पहुँचना है, जिस उद्देश्य तक आपको पहुँचना है, उस उद्देश्य तक आप जाओगे तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, सभी प्रकार की प्रॉब्लम रहेंगी आपको, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम रहेंगी, इसके अलावा आपको एनवायरनमेंट से संबंधित भी प्रॉब्लम रहेंगी, ऐसे भी आपके फ्रेंड्स वगैरह मिलेंगे जो आपको पढ़ने नहीं देंगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी सामना करना पड़ता है, और वो करके आए थे हम उस स्टेज से। धन्यवाद सर। सर देखिए अपना संघर्ष बताया सर, पहले MBBS डॉक्टर पढ़ना चाहते थे सर, लेकिन नहीं समय साथ दिया, पढ़ाई साथ दी, तो इन्होंने उसका सेकंड ऑप्शन चुना, ये भी मेडिकल फील्ड ही है, और अपने कई कठिनाइयों से सर ने पढ़ाई की। और एक सवाल और सर आपसे है कि आप अपनी जॉब जब कर रहे होते हैं तो वहाँ पर किस तरह की चुनौतियाँ कठिनाई आती है आपको हॉस्पिटल में? जी हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल का हमारा जो सर्विस होता है उसके अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे IPD बेस हुआ, OPD बेस हुआ, जो आउट पेशेंट के बारे में आप सभी जानते हैं, जैसे पेशेंट आता है और आउट पेशेंट मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करता है और उसके बाद मेडिसिन लेके चला जाता है, तो उस फील्ड में भी जॉब करना होता है। इसके अलावा जो पेशेंट एडमिट होते हैं, इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, IPD बोलते हैं उसको, तो उसमें पेशेंट की बहुत सारी डिमांडें होती हैं, पेशेंट की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनको सॉर्ट आउट करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हर पेशेंट के अकॉर्डिंग उसको एक प्रकार से सर्विस प्रोवाइड करना, तो ये सर्विस के दौरान और आइडेंटिफाई करना किस पेशेंट को कैसी नीड है, तो वो सारा चीज़ें एक हॉस्पिटल के अंदर पूरा होता है, पर वो मैनेज हो जाता है सारा चीज़ें, क्योंकि वो जान जाते हैं पेशेंट को किस प्रकार की नीड की जरूरत है। धन्यवाद सर। एक सवाल और सर से आपसे है कि नर्सिंग प्रोफेशन में मैंने देखा है कि बहुत से लोगों में ये भ्रांतियाँ हैं कि ये काम अच्छा नहीं है, आपकी नाइट ड्यूटी भी लग सकती है, दिन में भी ड्यूटी लग सकती है, और कुछ ऐसे काम होते हैं, तो ऐसी भ्रांतियों के बारे में क्या कहेंगे, ये सही है या गलत है, या इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं देखो, ऐसी कोई भ्रांति नहीं है, कोर्स प्रोफेशनली कोर्स है, अच्छा कोर्स है, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता लाइफ में। देखो मानव सेवा हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, हॉस्पिटल के जरिए भी कर सकते हैं, आप कोई नॉर्मली जैसे पेशेंट कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी हम सेवा करना, तो ये नर्सिंग का फील्ड भी अच्छा है, और इसमें पेशेंट के लिए तो है ही है पूरी सेवा, बाकी इसके अलावा उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे ये फील्ड अच्छा है, ये बुरा है, नर्सिंग का इतना अच्छा नहीं, नर्सिंग का अच्छा है, जो ज़्यादातर पेशेंट का केयर की जाती है डॉक्टर के बाद, वो नर्सिंग ऑफिसर की ही जिम्मेदारी बनती है, तो पेशेंट से 24 आवर्स मिलना, उससे पूरी फैमिली हिस्ट्री लेना, पूरा उसके बारे में बायोडाटा कलेक्ट करना, पेशेंट की सारी नीडें पूरी करना, तो ये अच्छा है, सेटिस्फिकेशन मिलता है, ऐसा बेकार नहीं है, अच्छा कोर्स है, और एक अच्छा ह्यूमिनिटी का वो सर्विस करने का मौका है। धन्यवाद सर। और एक अंत में कुछ 2 सवाल और हम करेंगे सर से, आप अपनी जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, अपने अगल बगल के लोग को क्या
घर में भी इनकी मदद कर पाते हैं या आप हॉस्पिटल में इनकी सेवा करते हैं? जी, जहाँ हम सोसाइटी में रहते हैं या मैं घर पे जब भी विलेज स्तर पर राजस्थान जाता हूँ तो बिल्कुल सेवा करते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि ये जो जैसे समय सीन है, जो एम्स न्यू दिल्ली में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे हैं, हेल्थ से रिलेटेड हैं, और इनसे बहुत सारे लोग आते हैं, पूछने के लिए आते हैं, मेडिसिन भी पूछने के लिए आते हैं, बाकी किसी प्रकार की कोई डिजीज है या कोई किसी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन है वो भी दिखाने के लिए आते हैं कि सर बताइए हमें क्या परेशानी है, ये जांच देखिए, ज़रा इस जांच में देख के बताइए, ये ब्लड की जांच है, कुछ एक्सरे हैं, यूएससी अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, वो है, अदर प्रकार के डिफरेंट जो इन्वेस्टिगेशन है उनको दिखाने के लिए। बाकी अगर कोई लगता है सोसाइटी के अंदर या फैमिली के अंदर कि कोई किसी प्रकार की दिखाने में हॉस्पिटल जाने में लापरवाही कर रहा है, नहीं जा रहा है, और हमें लगता है कि भाई हमारी नज़र में आता है ऐसा कोई, तो हम उसको एडवाइस करते हैं कि भाई देखो ये हेल्थ से रिलेटेड मैटर है, बीमारी बढ़ती जाएगी और फिर बाद में इसका कोई निदान नहीं होगा, तो बेहतर ये है कि आपको सलाह दी जाती है कि आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं और एक अच्छे डॉक्टर से दिखाएं। धन्यवाद सर। अब हमारा क्विज कंप्लीट हुआ है, लेकिन सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे स्कूल के बच्चों को हेल्थ केयर से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताएं सर। उससे पहले मैं चाहूँगा सर बैठ जाए जी, और अगर आप भी कुछ सर से पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी है जितना भी मैंने सर से पूछा है। और इसके अलावा सर अपने तरफ से आपको स्कूल में हेल्थ से रिलेटेड जो सावधानियां बताएंगे, आपको खाने पीने में क्या खाना चाहिए, बाहर की चीज़ खानी है नहीं खानी है, टिफिन में क्या लाना है, अपनी हेल्थ केयर कैसे करनी है, और कभी कभी देखते हैं बच्चों की तबीयत ख़राब होने के बाद भी पेरेंट्स को नहीं बताते हैं, तो जब ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है, तो इससे रिलेटेड सर आपको कुछ सलाह देंगे, आप उसको ध्यान से सुनिए, और आपकी कोई क्वेरी है तो अपना हैंड रेस करके आप पूछ सकते हैं सर। देखिए हेल्थ से संबंधित आपको मैं कुछ जानकारी शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि हमें हेल्थ का किस प्रकार से ध्यान रखना है। आप अगर हेल्थी नहीं रहेंगे तो पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, ये आप अच्छे से जानते हैं सारी बातें, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ भी ज़रूरी है, और ये भी ज़रूरी है कि हमें कैसा पौष्टिक आहार कैसा लेना है, एक बैलेंस डाइट बोलते हैं उसको, बैलेंस डाइट कैसी लेनी है, हमें अननेसेसरी चीज़ें नहीं खानी है जो आगे चल के एक बहुत बड़ी बीमारी को जन्म देती हैं। जैसा आप स्कूल आते हैं तो सुबह ही ब्रेकफास्ट करके आते हैं, फिर आप डिनर करते हैं, फिर लंच करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी डाइट में क्या क्या चीज़ें बैलेंस, जो बैलेंस डाइट होती है उसमें बैलेंस होना चाहिए सारी चीज़ों का, जैसे कार्बोहाइड्रेट भी लेना होता है, उसमें प्रोटीन भी लेना होता है, फैट की भी मात्रा होनी चाहिए, फ्रूट्स भी होना चाहिए, इसके अलावा आप मिल्क भी ले सकते हो, तो ये सारा चीज़ें आपको पूरा बैलेंस करके चलना होता है, और ये रेगुलरली आपको करना होगा तभी आप अच्छे हेल्थी रहेंगे और पढ़ाई में भी अच्छा आपका मन लगेगा। इसके अलावा मैं आपके लिए कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा, जैसा कि आप ये डिसाइड अभी से और बाद में टेंथ के बाद ये डिसाइड कर लेना। देखो आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप किस फील्ड में जाना चाहोगे, फील्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस फील्ड का इसको